गुलबर्गा शहर के मशहूर इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल और पीयू कॉलेज के स्टूडेंट्स ने साल 2024 नीट एग्जाम में कामयाबी हासिल कर इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल और अपने माँ बाप के साथ शहर का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, मोहम्मद हारून नामी इस स्टूडेंट ने नीट रिजल्ट में 650 मार्क्स हासिल किए हैं और सानिया हुमेरा नामी इस स्टूडेंट ने नीट में 520 मार्क्स के साथ कामयाबी हासिल की है। ये दोनों स्टूडेंट की पढ़ाई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल से शुरू हुई थी और आज ये नीट में कामयाब होकर इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स के लिए मिसाल बन गए हैं। इन स्टूडेंट्स को कामयाब होता देख स्कूल के डायरेक्टर जनाब जमीर अहमद सर ने अप्रिसिएशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर अशफाक अहमद गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, डॉक्टर आजम बेग पेडियाट्रिक्स, डॉक्टर निसार पटेल MD मैक्स हॉस्पिटल यहाँ मौजूद थे। स्कूल डायरेक्टर जमीर अहमद सर और तमाम गेस्ट ने मोहम्मद हारून और सानिया हुमेरा की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश कर इस प्रोग्राम में मौजूद तमाम 9th और 10th क्लास स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है। मोहम्मद हारून और सानिया हुमेरा ने अपनी कामयाबी की जर्नी सुनाते हुए कहा किस तरह इन्होंने मेहनत कर नीट में बेहतर रिजल्ट हासिल किया है और आज कामयाबी इनके कदम चूम रही है। इस तरह स्टूडेंट्स को कामयाब होता देख आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल का एजुकेशन इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप अपने बच्चों को इस तरह कामयाब होता देखना चाहते हैं तो इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल और पीयू कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप अपने बच्चों का एडमिशन यहां करवा सकते हैं। I first want to congratulate all the students who have got a good score in NEET exam, because that is one of the difficult exam which is presently available in India. Okay, for few things, see, already these people have crossed that, means they have whatever the hurdle was there in life, first hurdle in life they have cleared it. So alhamdulillah, maybe because of good nurture from the school as well as their parents, and last but not the least, it is basically students' efforts which will put more than teachers and more than parents and environment. Inshallah, aap hard work karenge, jaisa aaj inko felicitation kar rahe hain, inshallah I feel jitne bhi bache hain yahan pe, inshallah future mein sabhi log ye pura classroom hi felicitation ke liye rehna, gathering niche rehna fir inshallah. राइट तो जितने भी रहेंगे यहाँ पे आज रिजल्ट 4 है, ये इंशाल्लाह पूरी क्लास रहना चाहिए, हार्ड वर्क करिए, इंशाल्लाह आपको भी सक्सेस मिलने वाली है। आज का जो ये प्रोग्राम है बहुत अहम प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चे जो ये स्कोर हासिल किए हैं, एक बड़ा अचीवमेंट है। इंशाल्लाह ये जो भी बच्चे हासिल किए हैं, ये जैसा कि अभी आप कभी बीमार पड़ गए, कभी आपकी तबीयत वगैरह ख़राब है, तो आप जैसे डॉक्टर्स को जाके बताते हैं फला फला मुझे तबीयत नासाज है, वो देखते हैं और आपको दवाई देते हैं और आप उस बीमारी से शिफा हासिल करते हैं, उसी तरह ये बच्चे जो आज हम फेलिसिटेट करने जिनको जा रहे हैं, उन्होंने अपनी बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी लगन के साथ बहुत मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह एक पहला पायदान यानी कि फर्स्ट स्टेप पे वो कदम रखने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि उनको बेहतरीन कॉलेज में MBBS की सीट मिले और वो जो है माशरे के, हमारी सोसाइटी के एक बेहतरीन डॉक्टर बने इंशाल्लाह, ये हमारी ख्वाहिश है। We have been always discussing this topic in our weekly sessions, I must say. जब मैं आपसे वीकली क्लासेस के लिए आता हूँ, आपसे बात करता हूँ, तो हमारी जो तैयारी चल रही है, जो कोशिश चल रही है, वो इसी लम्हे के लिए है। राइट, ये जो दो स्टूडेंट्स आपके पास आए हैं, कभी इन्हीं चेयर्स पे, इसी बिल्डिंग में, इसी टेबल पे, इन्हीं टीचर्स और यही सर के गाइडेंस से पढ़ रहे थे, उनके बताए हुए उस परफॉर्मा या फिर उस टाइम टेबल्स या उस गाइडलाइंस या जो भी अच्छी एडवाइस थी उसको फॉलो करते हुए ये यहाँ पर पढ़ कर जा चुके हैं और वही उनकी कामयाबी वापस उनको यहाँ पर ले आई है
आपको ये बताने के, देखिए मैं भी आपके पास आपके बीच का ही एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट हूँ, और इंशाल्लाह ये चीज़ें मैंने कभी यहीं से बुनियादी तौर पर सीखी थी, और ये बुनियादी चीज़ मुझे इतनी ताकत दे रही थी कि मैं आगे बढ़ते हुए इसको भूला नहीं। मेरा मेहनत करने का जज्बा, मेरे तमाम टीचर्स की दी हुई एडवाइस को फॉलो करने का टोटल तयक्कुन, और मेरे पेरेंट्स की बताए हुए उन बेहतरीन एडवाइजेस को लेकर चल के मैं आज यहाँ पहुँचा। हार्मनी इज द बेस्ट एग्जांपल, एंड नेक्स्ट आर यू, वी आर नॉट द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, बट यू हैव टू थिंक दैट यू आर द बेस्ट। फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, इज इट 9th and 10th. So how many of them from 10th standard? Nice. And how many want to achieve like what Harun did? Same. This is good. This is the spirit. This is what you have to carry on. 3-4 things to remember. Harun will agree with me, I think. Hard work, honesty, determination. Of course, religious prayers are there. But these 3 things you have to cover from your side. Rest all God will do. Allah will do. What, Harun, do you agree with me? Hard work. You have to work hard. There is no other alternate. As Nazir said, there is no shortcut. You have to achieve what you have to achieve, but you have to work very hard. Second is honesty. You should know your limits. You should know what you have to achieve next. If you are honest with you, then you will achieve. If you are not honest with you, you will not achieve them. And thirdly, determination. You should tell yourself that I will achieve, I can achieve. This is what you have to do. And of course, you have to pray a lot, you have to take religious guidance. Zameer Ahmed Sahab as president is here, respected teachers are here, Azam is here. You all have plenty of hands to help you. But it is you have to do the thing. I congratulate Mr. Harun and one more Miss Sania. I congratulate them, and as my friend Dr. Azam Beg, who is a pediatrician, he has told everything. So once again I congratulate all the students who have scored topper in NEET. And one more thing, Dr. Azam, myself and Dr. Azam, we are classmates from LKG. From LKG to till PG, till our MBBS. Later on, he became a pediatrician, I became a general practitioner. So this thing, how collectively and studying is a sharing thing. What knowledge you have, you should share with each other. And discussion with discussion, you can achieve the goal. So once again, I thanks all the students, apart from Mr. Harun and Mr. Samia, who have got good score. I congratulate them for their bright features. Thank you so much. कि आप अभी से टेक्स्ट बुक रीडिंग शुरू करें। टेक्स्ट बुक को कैसे समझना है, सिर्फ नोट्स लेके पेज पलटाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका 10th का परसेंटेज बनेगा उससे। आप टेस्ट जो भी आपकी 10th की 9th की वगैरह जो भी टेक्स्ट बुक है उसको आप पढ़ना समझना सीखिए। ये आपको सिर्फ 10th का परसेंटेज नहीं बल्कि आगे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं, नीट, JEE, इन सब में आसानी होगी आपको। रोज़ आप शुरू कीजिए कि MCQ प्रैक्टिस करें, जो भी आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उसके MCQ प्रैक्टिस करें आप रोज़। शुरू में 5, फिर 10, फिर 15, डेली आप 20, मिनिमम 20 या फिर 10 MCQ प्रैक्टिस करें बस। तो इससे आपको आगे कौन सा भी जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होगा डिफ़िकल्टी नहीं होगी आगे आपको। आप सिर्फ 650 नहीं बल्कि ऑल इंडिया रैंक 1 भी ले सकते हैं। बहुत आसान बात है आपके लिए, बस इतना याद रख लीजिए कि आप रोज़ MCQ प्रैक्टिस करें, और क्लास में जो भी समझा रहे हैं उसको कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। बस क्लास में प्रेजेंट बॉडी, प्रेजेंट माइंड एब्सेंट ऐसे नहीं, बल्कि आपको आपका माइंड भी प्रेजेंट रखना है, टीचर की तरफ 100% फोकस रहकर पढ़ना है आपको, और रोज़ाना MCQ कंपलसरी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको बहुत फायदे पे ले जाएगी। आपको 10th में परसेंटेज भी इससे अच्छा मिलेगा, और आगे जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें सब आपका अच्छा स्कोर आएगा इंशाल्लाह।
First of all, I would like to thank my parents, my mother and father who guided me, and my brothers and sisters who supported me. I would also like to thank Mohammed sir and my teachers who supported me and laid my basic foundation. I would especially like to thank Mohammed sir. I used to be her student. He used to tell me, if you have a doubt 100 times, ask me, I will explain it to you 100 times. Due to that, I have a confidence to ask doubt anything. Thank you, sir. Thank you, teachers. If anyone of the parents who want to share anything, agar aap kuch share karna chahte hain, you are welcome. Assalamu alaikum. Today we have had a great session on NEET Achievers Day celebration at Innovative International School. Alhamdulillah, students of Innovative International School and Innovative International PU College have achieved great success in NEET results. The highest score, Mr. Haroon, has got 650 marks. Inshallah, this is a landmark result from Innovative International School and PU College, where our students have achieved the great results. And the second highest, Sania Humaira, she got 520 marks. We are hoping, inshallah, these students are going to get the free medical seat in coming days. And Innovative International School today stands on par with 50 years or 100 years of schooling that is across Karnataka or across nation. Our students are achieving excellence in NEET, and we hope these students can go and become the best doctors in the society. And we are truly thankful, and we have invited today Dr. Ashfaq Ahmed, gastroenterologist, and Dr. Nisar Patel, internal medicine, and Dr. Azam Beg, pediatrician. So though these doctors felicitated these young achievers, and they have appreciated these students to become the best doctors to save the humanity. Jazakallah, thank you, and thank you very much.